जय माता दी। दोस्तों आज है नवरात्रि का नौवा दिन और आज है देवी सिद्धिदात्री की पूजा और यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलन कर देती हूँ। पूजा शुरू हो गई है। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दिव्याज किचन में आप सबका स्वागत है। दीप तो मैंने जला लिया है। अब हम सारे देवी देवताओं को स्नान करवाएंगे। अब हम गणपति बाप्पा को माला अर्पण करेंगे और देवी सिद्धिदात्री दुर्गा मैया को भी माला अर्पण कर लेते हैं। अब उसके बाद रोज की तरह मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा तो हो गई है, यहाँ पे मैं हवन भी करूँगी। तो इसके लिए मैंने हवन कुंड रेडी किया है, यहाँ पे तैयार किया है। और मुझे इतना पूजा पाठ करना नहीं आता है पंडित जी की तरह, तो मैंने क्या किया ना, घर पे पंडित जी को, जो हमारे घर के पंडित जी हैं, उनको फ़ोन कर कर के सारी विधि पूछ लिया है और ऐसे ये कर रही हूँ। और ये हवन कुंड में स्वस्तिक बना रही हूँ। हवन कुंड में अब एक कलावा बांध देते हैं। हवन कुंड में सबसे पहले रखा मैंने यहाँ पे कपूर और ये ऊपर से मैं डाल रही हूँ आम की टहनियाँ, यानी कि सूखी हुई लकड़ी आम की। और हवन कुंड को फूलों से सजा देते हैं। अब हवन कुंड के सामने एक दीपक जला लेते हैं। अब हवन कुंड को पवित्र करते हैं गंगा जल की तिल और कुश से। अब हवन कुंड में हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अब हम सारी देवी देवताओं को याद करते हुए यहाँ पे हवन करेंगे, सबकी आहुति देंगे सबके नाम के, और इसी तरह से मेरी हवन पूरी हो जाएगी। दोस्तों मुझे इतना पता तो नहीं है सारी नियम नीति वगैरह, फिर भी मुझे जितना आता है मैं उतना करती हूँ। बोलते हैं ना जैसे कि यथाशक्ति तथा भक्ति, मैं भी वैसे ही हूँ, जितना मुझे आता है वैसे ही करती हूँ। हवन के बाद मैंने किया दुर्गा चालीसा का पाठ और किया आरती, जो कि मैंने वीडियो नहीं लिया। और यहाँ किचन में बन रहा है प्रसाद और यहाँ पे आ गई है हमारी नौ देवियाँ। ये बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही है। साथ में है ये भैरव बाबा। आज ये सारी देवियाँ ना इतनी सुंदर लग रही थी, छोटी छोटी, बहुत सी क्यूट क्यूट। फिर उनको हम लोगों ने अच्छे से पैर धुलाया, फिर पैर पोंछे, उसके बाद उनको फिर हमने उनकी पूजा की। देखते रहिए दोस्तों मैंने कैसे कन्या पूजन किया आज। हमारी नौवीं दिन की पूजा भी समाप्त हो गई है। शाम को पूजा आरती करनी है, उसके बाद आज का पूजा समाप्त हो जाएगा। नवमी की पूजा करते करते बहुत टाइम लग गया आज, लेकिन ना दोस्तों कल से हम बहुत ही याद करने वाले हैं देवी मैया को। रोज़ रोज़ हम लोग पूजा करते थे, ये नौ दिन तक देवी मैया को बिल्कुल सामने से मिलते थे, अब बहुत मिस करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरी पूजा आज की इसी तरह से समाप्त हो गई है। कैसा लगा आपको मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गोवा जय आयो होम।